हेलो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोएम द सैड डू यू नो व्हाट ए सैड एच क्या आप जानते हैं सेट क्या होता है ए काउ सेट ए टूल सेड, ए वुड सेड, फॉर एग्जांपल। सेड, एक काउ सेट भी हो सकता है जहाँ पे गाय वगैरह रखी जाती है बांधी जाती है ए टूल सेट एक ऐसा सेट एक ऐसा स्टोर रूम जैसे रूम जहाँ पे टूल्स वगैरह औजार वगैरह रखे जाते हैं ये वुड सेट गांव वगैरह में लकड़ियाँ वगैरह रखने के लिए भी सेट वगैरह बनाए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्राम द मेन हाउस एक छोटा सा रूम होता है एक स्टोर रूम होता है जो कि मेन हाउस मुख्य घर से थोड़ा सा दूर होता है फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स एनिमल्स टूल्स vehicles, etc. ये रूम एक स्टोर रूम के जैसे काम करता है जहाँ जहाँ पर वस्तु एनिमल्स टूल्स या वहीकल्स वगैरह रखी जाती Ask योर पार्टनर if सी और ही हैज़ एवर सीन ए सैट अपने दोस्त वगैरह से पूछिए कि क्या कभी उसने इस प्रकार का सेड यानी कि cow सेट या टूल सेट वगैरह देखा है Let her him describe it to the class. First of all, I'm going to read this poem and then I'll explain it. There's a set at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if i ever dare to set foot inside he'll jump out and chop off my head but i'll take a peek one day i know that there isn't really a ghost my brother tells lies to keep the set for his stand. there isn't anyone staring or making strange noises and the spider has been gone from his web since I don't know when, I'll go into the shed one day soon, but not just yet. This poem is written by Frank Flynn. Now I'm going to explain this poem. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. Is Kavitaka speaker Bhakta Jukik? छोटा बच्चा है और यह छोटा बच्चा हमें यह बता रहा है दैट एट द बॉटम ऑफ अर गार्डन विद ए विथ स्पाइडर्स हैंगिंग हैंगिंग्रॉस द डोर यह छोटा बच्चा हमें बताता है कि उसके घर में गार्डन की गार्डन बगीचे में नीचे की तरफ एक सेट बना हुआ है एक स्टोर रूम बना हुआ है विथ स्पाइडर्स हैंगिंग हैंगिंग्रॉस द डोर और इस सेट या स्टोर रूम में दरवाजे के ऊपर स्पाइडर्स वेब ये मकड़ी का जाला हैंगिंग टंगा हुआ है द हिंजिस आर रस्टी एंड क्रिक इन विंड हिंजिस बोलते हैं लोहे या स्टील का हुआ खिड़की या दरवाजे का कब्जा जिससे दरवाज़ा चौखट से लगाया जाता है द हिंजिस आर रस्टी एंड क्रिक इन विंड दरवाजे के जो कब्जे जो हैं वो रस्टी हैं उस पर जंग लग चुकी है एंड क्रिक इन देंड और जब हवा चलती है तो उसमें से आवाज़ आती है वैन आई एम इन बैड आई लाई एंड लिसन आई एल ओपन दैट डोर वन डे ये छोटा बच्चा हमें बताता है कि जब वो अपने बिस्तर पर अपने पलंग पर सो रहा होता है तो इस दरवाजे की बोलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है आई एल ओपन दैट डोर वन डे और ये छोटा बच्चा बहुत ही क्यूरियस है जिज्ञास जिज्ञासु है वह इस स्टोर रूम वह इस सेड को अंदर से देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है देअर्स एस टी ओल्ड विंडो अराउंड एट साइड इस सेट या स्टोर रूम के एक तरफ एक पुरानी धूल मिट्टी से भरी हुई खिड़की है विथ थ्री क्रैक पेंस ऑफ ग्लास और इस विंडो के ऊपर जो ग्लास के शीशे लगे हुए हैं विंडो पेंस लगे हुए हैं वो तीन जगह से टूटे हुए हैं आई ऑफ़न थिंक देयर्स सम वन स्टेयरिंग एट मी स्टेयरिंग मीन्स घूर कर देखना या फिर टकटकी लगा कर देखना आई ऑफन थिंक देयर्स सम वन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास और ये छोटा बच्चा जब भी इस स्टोर रूम या सेट के पास से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई इस स्टोर रूम के अंदर से इस सेट के अंदर से कोई उसे टकटक लगा कर देख रहा है या घूर कर देख रहा है आई एल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे पीप मीन्स झांक कर देखना और यह छोटा बच्चा जिसके मन में क्यूरियोसिटी है जिज्ञासा है यह मनी मन ठान ली है इसने कि वह एक दिन खिड़की में से अंदर झांक के देखेगा कि इस स्टोर रूम में इस सेट में क्या है माई ब्रदर्स इज देस ए गोस्ट इन दैट गोश्ट मीन्स भूत इस छोटे बच्चे का भाई जो है वह इससे कहता है कि इस स्टोर रूम में इस सैट में एक भूत रहता है वो hides हाइट्स मीन छिपना rotten रोटन मीन्स सड़ी हुई बोर्ड्स मीन्स फर्श की टाइलें तो यहाँ पर फ्लोर बोर्ड्स का मतलब है टूटी फूटी फर्श की टाइल्स हो हाइड्स अंडर द रोटन बोर्ड्स और इस छोटे बच्चे का भाई इससे कहता है कि इस स्टोर रूम में इस सेट में एक भूत रहता है जो कि इन टूटी हुई फर्श की टाइल्स के नीचे छिप कर रहता है एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इन साइड ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हैड और इस बच्चे का भाई इससे कहता है यदि इसने कभी भी इस स्टोर रूम में घुसने की कोशिश करी अपना पाँव रखा तो यह भूत कूद कर उसकी सर को गर्दन से अलग कर देगा चॉप ऑफ मींस काट देगा बट आई टेक ए पीक वन डे लेकिन इस बच्चे के मन में इतनी क्यूरियसिटी है इतनी जिज्ञासा है कि अपने भाई की वार्निंग के बावजूद वह सोचता है कि एक दिन वह ज़रूर इस स्टोर रूम में झक कर देखेगा कि इसमें क्या है आई नो दैट देर इज एंट रियली गोश्ट माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द फॉर फॉरज डैन और ये बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ देर इज एंट रियली गोश्त कि इस सेट के अंदर इस इस स्टोर रूम में कोई भी गोश्ट कोई भी भूत नहीं है माई ब्रदर टेल्स लाइज मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है टू कीप द सेट फॉर फॉरज डैन डैन का मतलब होता है शेर की मांद जहाँ पे शेर रहते हैं या फिर एक ऐसे सीक्रेट जगह जहाँ पे लोग गैरकानूनी काम करते हैं माई ब्रदर keep टू कीप for his डैन और ये छोटा बच्चा ऐसा समझता है कि उसका भाई जो है उससे झूठ बोल रहा है ताकि उसका भाई इस स्टोर रूम का यूज़ सिर्फ ख़ुद ही कर सके एक सीक्रेट रूम के जैसे देर इजेंट एनिम स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस और इस बच्चे को अब महसूस हो रहा है अब कोई भी उस स्टोर रूम के अंदर से उसे नहीं झाँक रहा है या कोई भी अजीब आवाज उस स्टोर रूम में से नहीं आ रही स्ट्रेंज मीन्स अजीब एंड स्पाइडर हैज़ बिन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो वैन और ये बच्चा कहता है कि स्पाइडर मकड़ी भी अपना जाला छोड़कर न जाने कब का जा चुका है I'll go into that sad one day soon, but not just yet. और यह बच्चा फिर से एक बार ये दोहराता है कि एक दिन मैं ज़रूर उस सैड उस स्टोर रूम में एक दिन जाऊँगा और अपनी क्यूरसिटी अपनी जिज्ञासा को शांत करूँगा बट नॉट जस्ट यट लेकिन अभी नहीं शायद ये बच्चा अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है अभी भी इसमें अभी भी इसमें इतना आत्मविश्वास नहीं है अभी भी शायद वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक शक है एक डर है और इसीलिए वो कहता है नॉट जस्ट यट कि अभी नहीं लेकिन एक ना एक दिन वह इस सेट के अंदर एक इस स्टोर रूम के अंदर एक ना एक दिन जाएगा दिस पोइम इज़ रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू